अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम बात करेंगे तमाम लीग्स के फिक्सर्स, रिजल्ट्स और टॉप स्कोरर्स पर। सबसे पहले बात करते हैं ला लीगा का, जिसका 29 राउंड कंप्लीट हो चुका है, तो जिसके रिजल्ट्स कुछ इस तरह से हैं। रियल मैड्रिड 3-0, अलावेज 2-0, एटलेटिको मैड्रिड 0-5, बार्सिलोना 2-0, वेरियल 1-0 से अपने मैचेस जीते। अगर रियल मैड्रिड के मैच पर एक नज़र दौड़ाएँ तो सबसे पहले इसमें करीम बेंजेमा ने पहला गोल स्कोर किया, इसके बाद मार्को असेंसियो ने दूसरा और थर्ड गोल दोबारा फिर करीम बेंजेमा ने स्कोर किया। इस तरह से 3-0 पर मैच फिनिश किया और मैच स्टेटस कुछ इस तरह से रहे। लीग की टॉप टीम बार्सिलोना की तरफ से सबसे पहला गोल जो है वो 40A की तरफ से किया गया, जबकि इसके बाद दूसरा गोल पेनल्टी किक पर लुइस मेसी ने स्कोर किया। इस तरह से मैच का रिजल्ट 2-0 रहा और टीम के स्टेटस कुछ इस तरह से हैं। इस तरह 29 राउंड के बाद जो पॉइंट्स टेबल पर पोजीशन है वो कुछ इस तरह से है। बार्सिलोना 64 पॉइंट के साथ पहले नंबर पर, रियल मैड्रिड 2 पॉइंट के फ़र्क के साथ 62 पॉइंट से दूसरे नंबर पर है। इसके बाद सेविला 51 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर, जबकि एटलेटिको मैड्रिड 5-0 की विन के बाद चौथे नंबर पर मौजूद है। लीग के टॉप स्कोरर की बात करें तो लुइस मेसी 14 असिस्ट और 21 गोलों के साथ पहले नंबर पर, करीम बेंजेमा 6 असिस्ट और 16 गोलों के साथ दूसरे नंबर पर, लुइस सुआरेज 8 असिस्ट और 11 गोल्स के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है। जबकि राउंड 30 के फिक्सर्स कुछ इस तरह से हैं। बार्सिलोना शेविला के साथ 20 जून को, एटलेटिको मैड्रिड वैलाडोलिड के साथ 21 जून को, रियल मैड्रिड रियल सोसिडाड के साथ 22 जून को मैचेस खेलेगी। बात करते हैं बारक्लेज लीग, इंग्लिश प्रीमियर लीग की, जिसके 29 राउंड्स पहले ही कंप्लीट हो चुके थे। 28 राउंड के दो मैच, उसमें मैनचेस्टर सिटी ने आर्सेनल को 3-0 से हराया। दूसरा मैच आस्टन विला और शेफील्ड यूनाइटेड के दरमियान 0-0 से बराबर रहा। ट्वेंटी नाइन राउंड्स कंप्लीट होने के बाद पॉइंट्स टेबल में कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ा कि लिवरपूल 82 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है, जबकि मैनचेस्टर सिटी एक मैच जीतने के बाद 60 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर। इसी तरह लेस्टर सिटी तीसरे, चेल्सी चौथे और मैनचेस्टर यूनाइटेड पाँचवें नंबर पर मौजूद है। राउंड 30 के फिक्सर्स की बात करें तो 20 जून को मैनचेस्टर यूनाइटेड और टोटनहम के दरमियान मैच होगा, आस्टन विला और चेल्सी के दरमियान 21 तारीख को मैच होगा, लिवरपूल और एवर्टन के दरमियान 21 जून को मैच होगा, मैनचेस्टर यूनाइटेड बर्नले के साथ 23 जून को खेलेगी।